29 फरवरी को देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के चौथे प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले भी दो बार पीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका उन्हें मिला था, लेकिन दोनों बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आइए पहले गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। मोरारजी देसाई बेहद काबिल नेता थे। 1964 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे। हालांकि कांग्रेस के अंदर जो कुछ गुटबाजी उस वक्त चल रही थी उसके साथ ज्यादा सदस्यों को वो नहीं जोड़ पाए और इसी वजह से पीएम की कुर्सी पर लाल बहादुर शास्त्री बैठ गए। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद खाली हो गया और मोरारजी और इंदिरा गांधी में पीएम बनने को लेकर जोरदार टक्कर चली। मोरारजी अपने को कांग्रेस का बड़ा नेता समझते थे। वो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कहा करते थे। कई अन्य नेता भी इंदिरा का विरोध कर रहे थे। इन सब के बावजूद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और मोरारजी का विरोध किनारे रह गया और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। इंदिरा गांधी के पीएम बनने पर मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था। हालांकि वे इस बात से बेहद खिन्न थे कि सीनियर होने के बावजूद इंदिरा गांधी को क्यों प्रधानमंत्री की गद्दी सौंपी गई। इंदिरा से उनकी कभी भी नहीं बनी। वो उनके काम में लगातार रुकावट भी पैदा करते रहे। नवंबर 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बनाई तो देसाई इंदिरा के खिलाफ खेमे वाली कांग्रेस ओ में थे। जयप्रकाश नारायण का समर्थन उन्हें मिला और जिसके बाद 1975 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी में शामिल हो गए। मार्च 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस वक्त तो जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं था क्योंकि चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम भी प्रधानमंत्री की पद के रेस में शामिल थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण का समर्थन काम आया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। 1977 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई का कार्यकाल रहा। चौधरी चरण सिंह के साथ मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।